वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं जियाना और जियाना की दीदी, हम लोग सब निकल चुके हैं एक नए सफर पे। इट्स माय बर्थडे डे आफ्टर टुमारो, तो हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं राजस्थान विद फैमिली। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट माय बर्थडे बट वी आर ऑलरेडी लेट, सो आई एम स्केयर्ड कि कहीं हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। हम थोड़े लेट हो गए हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और जो कैब हमने बुक करी थी वो हम तक पहुँच ही नहीं पाए। फिर हमने दूसरी जो बाहर ही एक कैब मिली हमें, तो हमने उसको कर दिया, लेकिन अभी भी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लेट्स सी कब पहुँचते हैं। जियाना क्या लगता है, हम पहुँच पाएंगे टाइम पे? आज तो जियाना भी टाइम पे रेडी हो गई थी, मम्मा भी टाइम पे रेडी हो गई थी, बट स्टिल वी आर लेट। अच्छा, जियाना कौन है? मम्मा के जिगर का टुकड़ा। हाय गाइस, सो जियाना ने पिछले दो तीन घंटे में मुझे इतना ज़्यादा थका दिया है। इतनी मस्ती की है जियाना ने, इतनी मस्ती की जिसकी कोई हद नहीं है। ये शरारती बच्चा। जियाना कौन है? मम्मा के जिगर का टुकड़ा। जियाना कहाँ जा रही है? मामा के घर। कहाँ जा रही है बताओ? जियाना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लग जाएगी, लग जाएगी। कृष्णा को पारी पारी कर दो जियाना, ऐसे पारी पारी। अच्छा किशी, किशी ही कर दो। कृष्णा किशी कर दो, दीदी को किशी कर दो, किशी कर दो दीदी को। ओहो, हाय कृष्णा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मेरा कृष्णा, क्या हो गया दीदी को? ऐसे क्या हो गया दीदी? दोनों ही बावले से हो रहे हैं। बोले कि मेरी गोदी में बैठाओ। बिठाओ, वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था। अच्छा बस बस, चलो चलो लेट्स गो। दोनों बच्चे हो गए फुल रेडी।
सुपा एंड एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही स्ट्रांग है एंड जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है और एक अब अगर उसको देखें तो एज अ सुपर मॉम का एक आइकन जो है वो इसको मिलता है. मतलब हम लोग ज्यादा बोले तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ अपने ही घर में बड़ाई कर रहे हो, बट मॉम बनने के बाद में मैंने ये स्पेशली फील किया है कि शी इज अ सुपर मॉम एंड सुपर वुमेन. एंड ये जो लाइफ में कर रहे हैं ना वो बहुत टफ है, वो बहुत टफ है, वो कोई नहीं कर सकता. सो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते बट एक बर्थडे के दिन बर्थडे गर्ल को थोड़ा सा स्पेशल फील करा सकते हैं. सो स्पेशल फील कराने के लिए हमने बहुत कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं किया है, बट एक केक जो कि बर्थडे गर्ल के लिए बनता है वो हमने अरेंज किया है. नाउ वी विल कट द केक. बट नाउ हैप्पी बर्थडे. चलो मैं तो वही कैंडल विशो बच्चे के साथ में मेक अ विश. लेट्स ब्लो द कैंडल. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chalu. Happy birthday to you. May God bless you. परेशान रहती है और रात का शूट है तो रात भर मतलब मेरे को देखते रहती, तो वो सोती भी नहीं ठीक से. तो वो आराम से घर पे सो चुकी है. मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ और आप मेरा मेकअप रूम देख के समझ ही गए होंगे कि आज मेरे प्रोडक्शन हाउस ने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया है. मेरे मेकअप रूम को फुल बलून से डेकोरेट करके रखा था. जब मैं मेकअप रूम में घुसी मैं इतना ओवरवेल्म फील कर रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा. मेरे का आई मीन दिस इज समथिंग रियली आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड. इमोशनल भी हो गई थी, ऑलमोस्ट मेरे आंसू यहाँ तक आ गए थे, मैंने कंट्रोल किया. इतना सारा प्यार जब मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है और आपके वर्क प्लेस में जब आपको इतना सारा प्यार मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. और जब आपके वर्क प्लेस पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है, आपको अपनापन प्यार मिलता है, तो आपके लिए काम करना और आसान हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है, बर्डन नहीं लगता बेसिकली काम. और या जयपुर 2 दिन हम लोग जाकर आए, ज़ियारा ने बहुत
इन्जॉय किया कृष्णा के साथ, आपको आपने ब्लॉग में देखा ही होगा. आई एम श्योर रुजियाना कृष्णा को बहुत मिस करने वाली है, लेकिन आप जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे ऑब्वियसली. अब वो दोनों भाई बहन है तो उनको तो मिलना ही पड़ेगा. मोनिका ने मुझे बताया था कि कृष्णा भी रुजियाना को बहुत मिस कर रहा है, और रुजियाना तो खैर कर ही रही है. अभी जब हम फ्लाइट में आ रहे थे तो कृष्णा ऐसे वो बार बार चिल्ला रही थी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा. तो मुझे ऐसा लग रहा है बच्ची मिस करेगी कृष्णा को. तो कोई बात नहीं, हम जल्दी वापस जाएंगे कृष्णा के पास. और दो दिन बहुत अच्छा लगा चित्रा मोनिका के साथ में, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की. एंड या इस नोट पर दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. इफ यू रियली लाइक द व्लॉग प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल. थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड विशेज एंड ऑल द मैसेजेस, ऑल द DMs. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार भेजा, बहुत सारे बर्थडे विशेज मुझे मिले, लेकिन मैं लास्ट 2 डेज आई वॉज रियली वेरी बिजी. रुजियाना का मैंने फुल चेकअप जयपुर में करवाया, बिकॉज यहाँ पे मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, 2 दिन की छुट्टी थी. तो मैं अपने बर्थडे पर मैंने सिर्फ रुजियाना का चेकअप करवाया अच्छे से. सो एक बहुत बड़ा काम हो गया. और यस